फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर ब्रह्मांड की। वैसे इंग्लिश मीडियम में हेवनली बॉडी चल रहा है, उसी का वही चैप्टर है, बस ये हिंदी मीडियम में दे रखा है, वो इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, इतना अंतर है। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो थोड़े ज़्यादा होंगे इसमें, उसमें कुछ कम हो सकते हैं ऐसा, लेकिन मेन मेन चीज़ें वही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, हमारी पृथ्वी तथा उस पर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं। अब इसमें जो है बहुत डिटेल है, हम इसमें मेन मेन जो है वो चीज़ बता दे रहा है। जैसे रात्रि का आकाश है, रात्रि का आकाश के बारे में बता रहे हैं कि रात्रि में विशेष रूप से वर्षा के कारण आप नंगी आंखों से लगभग 3,000 तारे देख सकते हैं। किसी अच्छे दूरदर्शक की सहायता से, दूरदर्शक मतलब टेलीस्कोप जैसी कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो और भी तारे देखे जा सकते हैं। चंद्रमा एक प्रमुख खगोलीय पिंड है जिसे हम सामान्यतः रात के में दिखाई देते हैं। तो इसमें जो मेन है, इसमें दिखाया गया है कि नॉर्मली जो हम रात में देखते हैं तो क्या क्या हमें दिखाई देता है, लेकिन जो मेन मेन क्या बोलते हैं डेटा है वो हम देखते हैं क्या है। जो तारे हमें धुंधले दिखाई देते हैं वे समांतर तारों की अपेक्षा हमसे बहुत दूर होते हैं। ये तारे हमसे हजारों, लाखों तथा अथवा करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वास्तव में इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर में नहीं मापना आसान नहीं होता है। तो हम करते क्या हैं, इसको यूनिट दे रखी है प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है वो समझिए पहले। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना मीटर है, और यहाँ पर जो लिखा है 3 लाख ये किलोमीटर में है, यहाँ पे बनेगा 3 × 10⁵, लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 3 पावर और आ जाएगी, तो 8 बन जाएगा। तो ये मैथ का है, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। अब एक प्रकाश वर्ष जो होता है, होता क्या है, एक वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा दूरी प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे एक दे रखा है, ये प्रकाश वर्ष होता क्या है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब वो निकालेंगे कैसे, वो चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर, यहाँ पर एक डेटा दे दिया गया है कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करके इन्होंने निकाल के दिखाया कि एक प्रकाश वर्ष की कितना वो होता है। उसके बाद सूर्य हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सूरज जो होता है पृथ्वी के सबसे निकट है, सॉरी स्लाइड नीचे नहीं गिरी, ये यहाँ पर ये सब डेटा दे रखे हैं। यहाँ पर दे रखा है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। इसके अलावा सूर्य हमारे मतलब पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लग जाता है। लगभग जो लगता है वो 500 सेकेंड लगते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट ये इतनी ही वैल्यू निकल जाएगी जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम दूसरा तारा अल्फा सेंचुरी है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। सूरज के बाद अगर कोई और तारा जो पृथ्वी के सबसे निकट है वो अल्फा सेंचुरी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे इसके आता है आकाश गंगा, किसे कहते हैं। इस ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं। ये तारे परस्पर समान दूरियों पर ना होकर बड़े समूह के रूप में हैं। ब्रह्मांड में विद्यमान तारों के एक बहुत बड़े समूह को आकाश गंगा कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 1,011 लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है तारे हैं। आकाश में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई
मंद तारों की एक पट्टी दिखाई देती है जो एक आकाश गंगा है, जिसे दुग्ध में खुला कहते हैं। ये आकाश गंगा सर्पिलाकार होता है तथा इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अब याद रखना, ये जो प्रकाश वर्ष बताया है यहाँ पर, ये दूरी बताई गई है, इसका व्यास मतलब डायमीटर बताया गया, लेकिन ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि इसको प्रकाश वर्ष में नापा गया है, क्योंकि ऊपर बता चुके हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसे हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो इसके आगे देखते हैं, आकाश में उत्तर से दक्षिण की ओर, ये तो हो चुका। इसके बाद आगे जो है, अपने सभी थारों, तो इसके आगे हम देखते हैं कि अपने सभी थारों के साथ यह आकाश गंगा ब्रह्मांड में घूम रही है, या अपने अक्ष पर भी घूम रही है। इस गति के परिणाम स्वरूप हमारा सूर्य लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है। अब समझिए कितनी तेज स्पीड है, 220 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत होता है। उसके बाद तारामंडल किसे कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, और बच्चों हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी समझिए कि उसको बोलते क्या। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि कभी इंग्लिश के नोट्स, क्योंकि अभी आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो, आगे जब हायर स्टडी के लिए जाओगे तो वहाँ आपको इंग्लिश ही मिलने वाली है, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स, प्योर हिंदी भी नहीं चलती, प्योर इंग्लिश भी नहीं। आप चाहो तो प्योर इंग्लिश कर सकते हो, लेकिन हिंदी में प्योर हिंदी नहीं चल पाएगी, क्योंकि हिंदी इतनी टफ हो जाएगी कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। और नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं वो ऐसे ही होती है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो उसके लिए इंग्लिश में जरूर समझना क्या होता है। तो तारामंडल के लिए बताया गया है, तारामंडल, तो तारामंडल को हम समझने की कोशिश करते हैं। तारों के ऐसे समूह को जो पहचानने योग्य आकृति बनाते हो तारामंडल कहते हैं। ये सभी तारामंडल, ध्रुव तारा जो स्थिर रहता है के चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। आप समझिए इसका मतलब क्या है, मतलब तारामंडल है, तो तारामंडल मतलब ये नहीं कि कोई भी तारा उठा ले हम बोल रहे हैं ये तारामंडल है, मतलब ये है कि कुछ ये जो हैं कुछ पैटर्न में रहेंगे, कोई फिक्स पैटर्न रहेगा। जैसे कि इनका पैटर्न कैसा बनता है वो भी बताया जाएगा, कि कुछ तारे होते हैं जो अपने पैटर्न में, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा बगल में, ये पैटर्न में कुछ है, तो ये पैटर्न में रहते हैं। पैटर्न में रहने की वजह से जो पैटर्न में तारे पड़ेंगे उन्हें तारामंडल बोलेंगे। अब दूसरी बात आती है कि ध्रुव तारा जो होता है अपनी जगह पे स्थिर रहता है, ध्रुव तारा आपस में स्थिर रहता है, और दूसरे जो तारे हैं वो घूमा करते हैं ध्रुव तारा के चारों ओर। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप समझ लीजिए। तो ध्रुव तारा ये बीच में फिक्स क्यों रहता है, इसका भी कारण होता है। ये हमें फिक्स इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो पृथ्वी होती है या वो अपने अक्ष में चारों ओर घूमती है। जो पृथ्वी का अक्ष जाता है वो पोल से होके जाता है, ध्रुवों से होके जाता है, और ये अक्ष अगर सीधा खींचे जाएं तो ये जाके ध्रुव तारा को मिलते हैं। मतलब इसका अक्ष अगर सीधा खींचते चले जाएं पृथ्वी का, तो ध्रुव तारा जो होता है उसी के सिर में आता है। तो अक्ष के चारों तरफ घूमता है तो वो जो ध्रुव तारा है वो भी उसके अक्ष पे ही पड़ जाता है। इसकी वजह से ध्रुव तारा की कभी पोजीशन चेंज नहीं होती है। जैसे ध्रुव की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, ध्रुव हमेशा स्थिर रहता है वही जगह पे, क्योंकि अच्छा है, वैसे ही ध्रुव तारा। अब उसके बाद कुछ तारामंडल के बारे में बताया गया है। बृहत सप्तऋषि, बृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे, जिसमें 7 अधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः बृहत सप्तऋषि अथवा बिग डिपर कहलाता है। बिग डिपर के 7 प्रमुख तारे किसी बड़ी करछुल अथवा प्रश्न चिन्ह जैसे आकृति बनाते हुए प्रतीत होते हैं। करछुल के ऊपरी भाग पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं, क्योंकि इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। तो
आपको ये फिगर में दिखाया भी गया है। उसके बाद लघु सप्तऋषि, अब लघु सप्तऋषि तारा जो है, लघु सप्तऋषि तारे इसमें भी 60 प्रमुख तारे हैं। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि के हैंडल के सिरे पर स्थित है। पृथ्वी के ऊपरी गोलार्ध में इस तारामंडल को वसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग अथवा ओरायन इसे शीत ऋतु में देखा जा सकता है। आकाश के सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक मृग एक है। इसमें भी 7 चमकीले तारे हैं। जिसमें 4 चतुर्भुज के आकृति बनाते मालूम होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में से एक बेटलगीज नाम का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के 3 अन्य प्रमुख मंडल के मध्य में एक सरल रेखा स्थित है। तो यहाँ पर जो है मृग, लघु सप्तऋषि और वृहत सप्तऋषि, 3 तरह के तारामंडलों की बात की गई है। इसके बाद आता है सौर मंडल। केवल हमारी पृथ्वी ही सूर्य के गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि बहुत सारे अन्य आकाशीय पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। गिर्द घूम रहे मतलब चारों तरफ घूम रहे हैं। सूर्य तथा उनके गिर्द घूमने वाले सभी आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल अथवा सौर परिवार कहते हैं। सूर्य एक मध्यम आकार का तथा द्रव्यमान सॉरी मतलब मध्यम आकार तथा द्रव्यमान, मध्यम मतलब मिडिल क्लास में, मतलब मीडियम में है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र पर है। अन्य तारों की अपेक्षा यह पृथ्वी से अधिक निकट है, इसलिए हमें अन्य तारों की अपेक्षा अधिक बड़ा तथा चमकीला दिखाई देता है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 3,30,000 गुना अधिक है। तो ये भी एक चीज़ पता चली, सूर्य का द्रव्यमान इसके सभी 9 ग्रहों के द्रव्यमान के कुल योग का लगभग 740 गुना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो हो गई, इसके बाद सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों का एक गर्म गोला है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सभी सजीव पदार्थों के लिए यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब ग्रह कितने हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये 9 ग्रह हमारे सौर परिवार के ही सदस्य हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट आया है उसमें जो आखिरी यम है इसे हटा दिया गया है, ये ग्रह को हटा दिया गया है। और ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो ग्रह हैं इनका जो सीरियल बना है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बना है, मतलब पृथ्वी से सॉरी सूर्य से सबसे ज़्यादा पास जो है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी उससे ज़्यादा दूर है, मंगल उससे ज़्यादा दूर है। तो ऐसे ही करते करते सबका सीरियल है। वही चीज़ आगे बताया गया, बुध ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है। शुक्र सभी ग्रहों से सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी जैसे 1,300 ग्रह इस बड़े ग्रह में समा सकते हैं। मंगल ग्रह कुछ स्पष्ट वलय छल्ला जैसा दिखाई देता है। यम सौर परिवार से सबसे अधिक दूरी पर है। कभी कभी शुक्र को प्रातःकालीन तथा सायंकालीन तारा भी कहते हैं। शुक्र को प्रातःकालीन और सायंकालीन क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रातःकाल मतलब सुबह होते समय और शाम को इसे देखा जा सकता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर तो बात हो गई, ग्रहों में एक क्वालिटी और होती, ये हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब इसके बाद है तारे और ग्रह में अंतर।
तो ये हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। इसके अलावा अगर ये तो वीडियो हिंदी में है ही है, इसके अलावा अगर आपको और जानकारी चाहिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश मीडियम के वीडियो भी आप देख सकते हैं। वो आपको कहाँ मिलेंगे? आप यूट्यूब के लिंक में जाइए, ये लिंक तो आपके पास होगा ही जिससे सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ हर क्लास के लेक्चर्स पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप किसी भी क्लास के जिसकी भी आपको जरूरत हो देख सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप जितना चाहो पढ़ना चाहो उतनी चीज़ें देखिए, कोई डाउट हो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ये चैप्टर कल तक ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी पढ़ाई करिए, अगर आपको कुछ समझना है तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच।